आप सभी को जय मसीह की। मैं भूसी रॉबी अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं आप सभी को प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा कुछ बातों को समझाना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि मसीहियत का अगर कोई चिन्ह पूछे तो हम कहेंगे क्रॉस या क्रूस। क्रूस जो है वो मसीहियत का चिन्ह के रूप में आज के समय में जाना जाता है, लेकिन आरंभिक कलीसिया जो थी उसके लिए मसीहत का चिन्ह कुछ और था, और वो था मछली। अर्ली क्रिश्चियनिटी में, या हम कह सकते हैं जब मसीहत का आरंभ हो रहा था, चेलों के बाद कई दूसरे लोग यीशु मसीह पर जब विश्वास में बढ़ने लगे थे, कई सताव का कलीसिया ने सामना किया, और उस सताव की परिस्थिति में कलीसिया ने या अपने आप की पहचान को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह लिया था जो था मछली का चिन्ह। अब हम सोच सकते हैं ऐसा क्यों था, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रीक भाषा में मछली को इक्तुस कहा जाता है। इक्तुस शब्द को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके एक एक अक्षर को जब हम अलग अलग करते हैं, इशूस, क्रिस्टोस, थियोस, उयोस, सोटेर, जिसका अर्थ है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता। इसलिए ये मछली शब्द जो इक्तुस है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया अपने मसीहियत को बताने के लिए। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि योना 3 उसका 16 वचन जो है वो ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो बाइबल हमें यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में बताती है, और इसलिए ये जो शब्द है जो फुल फॉर्म के रूप में हम देखते हैं जो मसीही लोगों ने बनाया, वो था यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वही उद्धार करता है। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। मान लीजिए अगर सामने वाला मसीही है और मुझे जानना है कि वो मसीही है कि नहीं, क्योंकि सताव का समय है, तो मैं एक चिन्ह बना देती उस समय पर अगर मैं होती, और वो चिन्ह ऐसा होता। मान लीजिए मेरे सामने जो है, अगर उसने इस चिन्ह को पूरा कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये मछली का चिन्ह बन गया। ये एक साइन था, ये चिन्ह था जो विश्वासी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे इस बात को बताने के लिए कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि वो उस समय सताव से होकर के जा रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि ये जो वचन है, ये जो एक ज्ञान की बात थी जो हमने आरंभिक कलीसिया से सीखा, ये हम सब के लिए ये एक आशीष का कारण है। जय मसीह।